देखते हैं बर्थ एस्फिक्सिया एंड एच आई या नियोनेटल सीजर्स। अब ये पेरिनेटल एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया क्या होता है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, मतलब बॉडी में ओ टू लेवल्स कम होंगे और सी ओ टू लेवल्स ज़्यादा होंगे, तो ये एस्फिक्सिया होता है। और ये पेरिनेटल मतलब ड्यूरिंग इट अकर्स इन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर। अब पेरिनेटल एस्फिक्सिया इट कैन लीड टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस इज द मेन फीचर ऑफ, मेन फीचर टू डायग्नोस एस्फिक्सिया। इसमें अम्बिलिकल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज लेस देन 7, कि अम्बिलिकल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज लेस देन 7। डब्ल्यू एच ओ डेफिनेशन ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, इट इज अ कंडीशन दैट शुड बी कंसिडर इन एनी न्यू बॉर्न, कि इट इज अ कंडीशन दैट शुड बी कंसिडर इन एनी न्यू बॉर्न वेन एवर बेबी फेल्स टू इनिशिएट ब्रीदिंग और नॉट एबल टू सस्टेन ब्रीदिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे बर्थ एस्फिक्सिया के, अभी बर्थ पेरिनेटल एस्फिक्सिया इनकी वजह से हो सकता है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर। अभी एस्फिक्सिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन में एच आई ई होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनी अफेक्ट होंगी लीडिंग टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, फिर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा इन टिश्यू लीडिंग टू लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये सारी सीक्वल है ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, ब्रेन में एच आई ई, किडनी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस। एफगार स्कोर वो भी कम होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। एच आई ई किसकी वजह से होगा, हाइपोक्सिया, फिर इस्कीमिया, हाइपोपरफ्यूजन लीडिंग टू एनकेफेलोपैथी इन द ब्रेन। अब ये एच आई हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी इज द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल ब्रेन इंजरी, लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल ब्रेन इंजरी, एच आई ई की वजह से ब्रेन इंजरी होगी। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड द सर्वाइविंग बेबीज मे हैव न्यूरो डेवलपमेंटल सीक्वल, न्यूरो डेवलपमेंटल सीक्वल मतलब उनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। अब एच आई ई उसकी स्टेजिंग है सारनाट एंड स्टारनाट, सारनाट एंड सारनाट स्टेजिंग, तीन स्टेज है 1, 2 एंड 3। फीचर्स क्या होंगे, अब स्टेज 1 में जो है चाइल्ड जो है वो हाइपर अलर्ट होता है या हाइपर एक्टिव होता है, स्टेज 2 में लेथार्जिक चाइल्ड होता है या फिर हाइपो एक्टिव चाइल्ड, और स्टेज 3 में कोमाटोस। इसकी मदद से ही हमें सारे फीचर्स पता चलेंगे। कॉन्शियसनेस तो पहला हाइपर अलर्ट या नॉर्मल भी हो सकता है, स्टेज 2 में लेथार्जिक, 3 में कोमाटोस। रिफ्लेक्सेस 1 में इजीली एलिसिटेबल, मतलब हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस होंगे, स्टेज 2 में लेथार्जिक है तो स्लगिश एंड स्टेज 3 कोमाटोस उसमें एब्सेंट। सीजर्स 1 में हाइपर एक्टिव होता है, सॉरी सीजर्स एबसेंट होंगे इन स्टेज 1 बिकॉज ब्रेन इज माइल्डली अफेक्टेड, के स्टेज 1 में सीजर्स एबसेंट होंगे बिकॉज ब्रेन इज माइल्डली अफेक्टेड। स्टेज 2 में सीजर्स सबसे ज़्यादा होंगे बिकॉज इसमें ब्रेन इंजरी होती है ज़्यादा एंड देर इज अ फोकस ऑफ हाइपर एक्टिविटी, तो उसकी वजह से सीजर्स जो स्टेज 2 में सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजर्स सबसे ज़्यादा स्टेज 2 में होंगे। स्टेज 3 में अगेन एबसेंट ड्यू टू नो ब्रेन एक्टिविटी। फिर ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, तो 1 में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, 2 में पैरासिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। प्यूपिल साइज 1 में मिट्रियासिस, 2 में मियोसिस एंड 3 में अनइक्वल प्यूपिल साइज। हार्ट रेट 1 में इंक्रीज्ड, 2 में डिक्रीज्ड एंड 3 में वेरिएबल। पोस्चर नॉर्मल होगा 1 में, फ्लेक्शन होगा इन 2 में, तो सीजर उसमें फ्लेक्शन होगा एंड डिसेरिब्रेट होगा इन स्टेज 3। ईईजी नॉर्मल होता है फर्स्ट में, सेकंड में लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स दिखते, तो लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स दिखते हैं एंड स्टेज 3 में बर्स्ट सप्रेशन आइसो इलेक्ट्रिक पैटर्न। ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर 1 में, 24 टू 14 डेज के अप टू 14 डेज स्टेज 2 एंड सेवरल डेज टू वीक इन स्टेज 3। फिर ये आउटकम है 99% नॉर्मल, 80% गुड आउटकम इन स्टेज 2 एंड 50% डाई एंड 50% सीक्वल है, मतलब एच आई ई की वजह से आगे क्या होगा वो होगा सीक्वल है, 50% डाई एंड 50% सीक्वल है, क्लियर। तो ये सारनाट एंड सारनाट स्टेजिंग। डी सेरिब्रेट का मतलब क्या होता है, ऑल द लिम्स इन एक्सटेंशन, जो स्टेज 3 में देखने को मिलता है। अब स्टेज 2 में 80% दे हैव गुड आउटकम, मतलब वो नॉर्मल हो जाएंगे, 20% दे एंड अप इन सीक्वल है एंड एच आई ई इज द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल सीजर्स। अब न्यूरोलॉजिकल सीक्वल है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड, कि डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्टेड। फिर अगर ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा तो ये ट्रंक, हेड, नेक वो सब अफेक्ट होंगे, तो इसके हिसाब से अफेक्टेड एरिया के हिसाब से सिम्टम्स होंगे या सीक्वल होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, इट इज ब्रेन इंजरी इन प्रीटर्म बेबीज एंड इट अफेक्ट्स मोटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द लोअर लिम्स, के बोथ द लोअर लिम्स ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, बोथ द लोअर लिम्स की मोटर फंक्शन अफेक्ट होती है, लीडिंग टू स्पास्टिक डायप्लेजिया सेरिब्रल पाल्सी, स्पास्टिक डायप्लेजिया सेरिब्रल पाल्सी। ये है जोन ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर इस्कीमिया हेमरेज एंड इंटरवेंट्रिकुलर ब्लीड इन द लेटरल वेंट्रिकुलर, बस ये याद रखना है। अब डायग्नोसिस स्क्रीनिंग के लिए न्यूरोसोनोग्राम यूज़ करेंगे, न्यूरोसोनोग्राम विज अल्ट्रासाउंड थ्रू फोंटेनेल्स,
टू रूल आउट इंट्राक्रेनियल हेमरेज, डेफिनेटिव इट इज MRI, कि MRI ऑफ द ब्रेन इज द डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट, तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और एक न्यूरो प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव मतलब जो बच्चे की कंडीशन है उसको हम मैनेज करेंगे, न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन की इंजरी को फर्दर प्रिवेंट करेंगे, वो एक डेवलप ना हो उससे। सपोर्टिव में हम मेंटेन ब्लड शुगर, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे एंड एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एंड ब्लड शुगर मेंटेन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड IV फ्लूइड्स मेंटेन करेंगे एंड ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे विद हेल्प ऑफ AEEG, एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड EEG, क्या ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस के लिए कन्वेंशनल EEG। फिर सीजर्स के लिए फिनोबारबिटन देंगे, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन नाउ इट इज लेवेटिरासिटम इज यूज्ड। के सपोर्टिव में क्या आएगा, IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन थेरेपी, मेंटेन ब्लड शुगर एंड फिनोबारबिटन फॉर सीजर्स। न्यूरो प्रोटेक्टिव में आएगा कूलिंग, इंड्यूसिंग हाइपोथर्मिया या थेरापूटिक हाइपोथर्मिया, इसमें हम जानबूझ के आइस पैक्स या कूलिंग क्रिस्टल्स प्लेस करते हैं अराउंड द बेबीज बॉडी, इस वजह से होल बॉडी बॉडी कूलिंग होगी, या फिर सिर्फ अराउंड द नेक सॉरी अराउंड द हेड प्लेस करेंगे तो सिलेक्टिव हेड कूलिंग होगी। इन शॉर्ट बॉडी को कूल करना है हमें विद हेल्प ऑफ आइस पैक्स। इससे होता क्या, एक तो सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट वो कम होता है, न्यूरोनल एपोप्टोसिस वो कम होता है, डिक्रीज फ्री रेडिकल्स नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर एक्साइटेटरी ग्लूटामेट वो डिक्रीज होता है, सीजर्स भी डिक्रीज होता है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंड्यूसिंग हाइपोथर्मिया, फिर थेरापूटिक हाइपोथर्मिया। एंड टेम्परेचर क्या होगा, 33.5 डिग्री सेल्सियस। एंड ड्यूरेशन 72 आवर्स, एंड इट शुड बी स्टार्टेड विद इन 6 आवर्स ऑफ बर्थ, कि ड्यूरेशन इज 72 आवर्स, और ये बर्थ वेट शुड बी मोर देन 2 kg, स्टेज 2 या स्टेज 3 उसमें कर सकते हैं, मोर देन 36 वीक ऑफ जेस्टेशन होना चाहिए, तो ये उसकी क्राइटेरिया है। फिर तो ये HIE के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट देख ली हमने। फिर न्यूनेटल सीजर, तो टाइप्स सटल इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, और मिनिमल मैनिफेस्टेशन होता है ऑक्यूलर, ओरोफेशियल, लिंगुअल, लिम्स, लिम्स में साइकिलिंग मूवमेंट, ओरोफेशियल, लिंगुअल में कंटिन्यूस चूइंग या डिविएशन ऑफ आई, ब्लिंकिंग एक्सेट्रा। क्लोनिक, फोकल क्लोनिक, बेस्ट प्रोग्नोसिस देन टॉनिक एंड मायोक्लोनिक। ओके, सटल, क्लोनिक, टॉनिक एंड मायोक्लोनिक। कॉज क्या होंगे, HIE मोस्ट कॉमन 50-60% केस में होता है। फिर मेटाबॉलिक कॉज, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया। ओके, सब हाइपो, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया। इन्फेक्शन लाइक सेप्सिस, टॉर्च इन्फेक्शन, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, प्रीटर्म एंड टर्म में सब एरेक्नॉइड हेमरेज, इट इज गुड प्रोग्नोसिस। डेवलपमेंटल डिफेक्ट लाइक एनकेफेलोपैथी, एनएनकेफेलोपैथी, देन पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। ये पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी इसकी वजह से रिफ्रैक्टरी सीजर होता है। तो ये पाइरिडॉक्सिन करता क्या है, जो ग्लूटामेट होता है विच इज एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर, उसको कन्वर्ट करता है इनटू GABA विच इज इनहिबिटरी विद हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेस। अब ये पाइरिडॉक्सिन को एंजाइम की तरह एक्ट करता है, अगर ये पाइरिडॉक्सिन एब्सेंट होगा तो फिर क्या होगा, ये ग्लूटामेट GABA में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होगा लीडिंग टू सीजर्स। तो ये रिफ्रैक्टरी सीजर्स होता है ड्यूरिंग पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या था, TABC, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, करेक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी। फर्स्ट लाइन इज IV फिनोबारबिडोन, सेकंड लाइन फेनिटोइन, देन बेंजोडाइजेपिन एंड रिफ्रैक्टरी सीजर, ये केस में ट्रायल ऑफ पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन देंगे पहले। क्लियर, तो ये था नियोनेटल सीजर के बारे में। उसके बाद है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो मोस्ट कॉमन इज टर्मिनल इलियम इज द मोस्ट कॉमन पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट इज प्रोक्सिमल कोलोन या असेंडिंग कोलोन, एंड इट इज कंसिडर्ड एज GI इमरजेंसी नियोनेट, एंड इट इज कैरेक्टराइज बाई इन्फ्लेमेशन ड्यू टू बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होगा ऑफ द इंटेस्टाइन लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ दैट पार्ट। फिर रिस्क फैक्टर के नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, नाम में ये नेक्रोसिस, तो पहले इन्फ्लेमेशन होगा ड्यू टू बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, उसके बाद लीडिंग टू नेक्रोसिस इफ द पार्ट इज अनट्रीटेड। रिस्क फैक्टर प्रीमैच्योरिटी एंड टॉप फीड, मतलब फीडिंग विथ मिल्क अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। ये ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, इट लोअर्स गैस्ट्रिक pH, मेकिंग इट मोर एसिडिक विच प्रिवेंट्स बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन। क्लियर, ये तो प्रोटेक्टिव होता है, pH को कम करता है, देन प्रोमोट्स पेरिस्टालसिस, देन इट कंटेन्स लैक्टोफेरिन विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक ईकोलाई एंड इंक्रीज नॉर्मल गट फ्लोरा। तो ये ब्रेस्ट मिल्क के एडवांटेज होते हैं, अगर ये ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ देंगे तो फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। तो ये दो कॉज हो गए, प्रीमैच्योरिटी, टॉप फीड, देन बर्थ एस्फिक्सिया, मेटरनल अब्यूज ऑफ कोकेन एंड यूज ऑफ H2 ब्लॉकर इन द न्यूनिट। ये पैथोजेनेसिस है, ये आप देख सकते हो, प्रीमैच्योरिटी में इमेच्योर GID होता है, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्प्लैंकनिक वेसल्स। ओके, ये जो वेसल्स होती है इंटेस्टाइन की वुंड्स में, इन वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा लीडिंग टू नेक्रोसिस। फिर यूजेज ऑफ H2 ब्लॉकर्स डिक्रीज द HCl,
विच इंक्रीज पीएच ऑफ द जीआई वॉल. तो पीएच इंक्रीज होगी तो नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन. अब फीचर्स, उसकी स्टेजिंग का नाम है मॉडिफाइड बेल्स स्टेजिंग. मॉडिफाइड बेल्स स्टेजिंग, मॉडिफाइड बेल्स स्टेजिंग, इसमें तीन स्टेज है. पहला स्टेज जो है वो सस्पेक्ट का, मतलब वी सस्पेक्ट एनईसी. इसमें एक तो नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल फीचर्स होता है लाइक डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड कुछ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होता है लाइक फीवर, ब्रेडिकार्डिया, एपनिया एक्सेट्रा. तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं. अब इसमें दो पार्ट है, स्टेज वन ए एंड वन बी. वन ए में ऑकल्ट ब्लड होता है इन द स्टूल एंड वन बी में डिफ्यूज ब्लड होता है इन द स्टूल या ग्रॉस ब्लड इन द स्टूल एंड एक्स रे इज नॉर्मल. उसके बाद स्टेज टू में, स्टेज टू में डेफिनेटिव एनईसी होता है, मतलब डेफिनेटिव डायग्नोस कन्फर्म होगा. एंड इसमें भी स्टेज टू ए है एंड टू बी है. स्टेज टू ए में क्या होता है, बोवल साउंड्स एबसेंट होते हैं. एक्सरे एब्डोमेन में नीमाटोसिस इंटेस्टिनालिस, मतलब एयर इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, के एयर इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन उसमें एयर आ जाएगी. तो इस तरीके की फाइंडिंग्स होगी, ये मल्टीपल एयर लेवल से, तो ये एयर इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स. फिर स्टेज टू बी, इसमें भी बॉवल साउंड्स तो एबसेंट होंगे प्लस साथ में एब्डोमिनल वॉल इडिमा होगा, एब्डोमिनल वॉल इडिमा. और लैब ट्रायल देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एंड इसमें एक्सरे एब्डोमेन में नीमाटोसिस पोर्टालिस दिखेगा, मतलब एयर इन द पोर्टल वेन. क्लियर? स्टेज वन में नॉर्मल एक्सरे, वन ए एंड वन बी दोनों में नॉर्मल एक्सरे. स्टेज टू ए उसमें नीमाटोसिस इंटेस्टिनालिस एंड स्टेज टू बी में नीमाटोसिस पोर्टालिस. और ये उसके फीचर्स, एब्सेंट बाउल साउंड इन टू ए एंड एब्सेंट बाउल साउंड प्लस एब्डोमिनल वॉल इडिमा इन टू बी. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. उसके बाद स्टेज थ्री में, स्टेज थ्री में सीवियर एनईसी या फिर कॉम्प्लिकेटेड. इसमें स्टेज थ्री ए उसमें डेफिनेटिव एविडेंस होता है ऑफ पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनाइटिस डेवलप हो जाता है. और स्टेज थ्री बी में परफोरेशन होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन. कि पेरिटोनाइटिस का एविडेंस में एरिथीमा ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, इंड्यूरेशन, टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ये, एंड देयर इज डेफिनेटिव एसाइटिस भी होगा. तो ये फीचर्स है स्टेज थ्री के. स्टेज थ्री ए में पेरिटोनाइटिस एंड एसाइटिस, स्टेज थ्री बी में इंटेस्टिनल परफोरेशन. और एक्सरे फाइंडिंग्स में नीमो पेरिटोनियम होगा, मतलब एयर और गैस अंडर द डायफ्राम, ये अंडर द डायफ्राम गैस होगी. एंड स्टेज थ्री बी इज अ जीआई, सर्जिकल जीआई इमरजेंसी इन यूनिट्स. क्लियर? तो ये मॉडिफाइड बेल्स स्टेजिंग ऑफ एनईसी. मैनेजमेंट टिल स्टेज थ्री ए, के यहाँ तक के इंटेस्टिनल परफोरेशन नहीं हुआ यहाँ तक, तो स्टेज थ्री ए तक की मैनेजमेंट इट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट सिंस देर इज नो बॉल परफोरेशन. ट्रीटमेंट में एनपीओ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आईवी एंटीबायोटिक्स. के एनपीओ, टीपीएन एंड आईवी एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एक्सेट्रा. स्टेज वन ए में 3 डेज, वन बी में 7 to 10 डेज एंड उसके बाद 14 डेज. क्लियर? ये स्टेज थ्री ए तक की मैनेजमेंट, नील परोलर, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आईवी एंटीबायोटिक्स. स्टेज थ्री बी में सर्जिकल मैनेजमेंट होगी, अगर स्टेबल है देन लेप्रोटोमी एंड अनस्टेबल है देन परफॉर्म पीपीडी, प्राइमरी पेरिटोनियल ड्रेनेज. ये प्राइमरी पेरिटोनियल ड्रेनेज, अगर स्टेबल है देन लेप्रोटोमी. उसमें रिजेक्शन ऑफ द नेक्रोस्पोर एंड एनास्टोमोसिस. तो ये मैनेजमेंट ऑफ एनईसी. प्रिवेंशन इज बाय एंटीनेटल स्टीरॉइड्स, जिससे लंग्स मैच्योर होंगे तो प्रीनेटल एस्फिक्सिया नहीं होगा. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैच्योरिटी ऑफ द जीआईटी, प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन. तो ये एंटीनेटल स्टीरॉइड्स. फिर मिनिमल एंटल न्यूट्रिशन, के एंटल न्यूट्रिशन थोड़ा सा देंगे हम, उसे कहते हैं मिनिमल एंटल न्यूट्रिशन. इट हेल्प्स इन स्मॉल एंड प्रीटर्म बेबीज. वेल, इसमें नो ब्रेस्ट मिल्क इज गिवन, ओनली टीपीएन इज गिवन. इट इज गिवन बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग मैच्योरेशन ऑफ द जीआईटी, डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एनईसी. क्लियर? तो ये मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन. उसके बाद एंट्रली फेड प्रोबायोटिक्स, लाइक लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम सस्पेंशन. लैक्टोबैसिलस सस्पेंशन देंगे ताकि नॉर्मल ब्लड फ्लोरा जो है वो डेवलप हुआ. इट प्रिवेंट्स कॉलोनाइजेशन ऑफ द फ्रॉम द पैथोजेंस. क्लियर? तो प्रिवेंशन, एंटीनेटल स्टीरॉइड्स, मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन एंड प्रोबायोटिक्स. तो ये थे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस. देखता नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इज डिफाइंड एंड द ब्लड ग्लूकोज इज लेस देन 45. इफ ब्लड ग्लूकोज लेस देन 45 होगा तब वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा. इट कैन ऑल्सो बी एसिम्टोमेटिक. अब स्क्रीनिंग ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, तो एट रिस्क बेबीज कौन से होते हैं? तो जिनका लो सबस्ट्रेट या लो ग्लाइकोजन लेवल होता है. लो ग्लाइकोजन लेवल किसमें होता है? प्रीटर्म बेबीज में, लेस देन 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, लो बर्थ वेट, लेस देन 2 kg, देन इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. ये सारे बच्चों में लो ग्लाइकोजन लेवल होता है, मतलब लो सब्सट्रेट होता है, तो इनमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिर रिलेटिव हाइपर इंसुलिनेमिया, ये किसमें होता है? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी. और इसके बाद थर्ड इज सिक बेबी, नियोनेटल सेप्सिस, बर्थ एस्फिक्सिया, हाइपोथर्मिया. तो ये सारे एट रिस्क बेबीज होते हैं, इनमें हमें स्क्रीनिंग करनी होती है फॉर हाइपोग्लाइसीमिया.
एंड स्क्रीनिंग इट इज डन बाय डिपस्टिक मेथड, हील प्रिक सैंपल डिपस्टिक मेथड से करते हैं। स्केड्यूल, ये स्केड्यूल होता है, इतने इंटरवल्स में हमें करना पड़ता है स्क्रीनिंग। फिर फीचर्स ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का फीचर्स क्या होंगे, अर्लीस्ट होगा जिटरीनेस या फिर ट्रेमर्स, कि जिटरीनेस होगी या ट्रेमर्स होगा। डिफरेंस क्या है जिटरीनेस वर्सेस ट्रेमर्स या सीजर्स, तो जिटरीनेस में स्टिमुलस सेंसिटिव होता है, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, सीजर में एब्सेंट भी हो सकता है। आई डिविजन नॉट सीन, सीजर में इट इज सीन। ऑटोनॉमिक चेंजेस, जिटरीनेस में नॉट सीन, सीजर में इट इज सीन। तो अर्लीस्ट फीचर जिटरीनेस होगी या फिर ट्रेमर्स होंगे। अदर फीचर लाइक लेथार्जी, वीक क्राय, पुअर फीडिंग, सीजर्स, ऑटोनॉमिक चेंजेस, वो सब। मैनेजमेंट, अगर सिम्टोमेटिक हुआ तो मैनेजमेंट अलग होगी, अगर एसिम्टोमेटिक हुआ तो मैनेजमेंट अलग। सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन, तो इसमें इमीडिएटली ट्रीटेड विथ आईवी बोलस 10% डेक्सट्रोस, ओके, आईवी बोलस 10% डेक्सट्रोस 2 ml पर kg फॉलोड बाय आईवी 10% डेक्सट्रोस इन्फ्यूजन, के पहले बोलस देंगे उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन। इधर आईवी बोलस 10% डेक्सट्रोस, उसके बाद आईवी 10% डेक्सट्रोस इन्फ्यूजन एट 6 mg पर kg पर मिनट। अगर एसिम्टोमेटिक हुआ, एसिम्टोमेटिक डिटेक्ट होगा वाइल स्क्रीनिंग, तो इसमें भी डिवाइडेड है लेस देन 20, देन 20 टू 45 एंड देन मोर देन 45, सॉरी लेस देन 45, सब में सेम ही है। लेस देन 20 में 10% डेक्सट्रोस, लेस देन 45 उसमें भी 10% डेक्सट्रोस इन्फ्यूजन। 20 टू 45 में पहले ओरल फीड्स देंगे, उसके बाद रीचेक करेंगे, अगर नॉर्मल हो गया देन ब्रेस्ट फीड एवरी 2 आवर। फिर इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, अब इसमें पेडरसन्स हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या होगा, अगर मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो मदर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा, तो वो शुगर फिर प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा इन फीटस, फीटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो फीटस ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा, तो हाइपर इंसुलिनेमिया होगा, तो उसकी वजह से एक्सेस ग्रोथ होगा, ठीक है, एक्सेस ग्रोथ होगा लीडिंग टू एनाबोल, मतलब मैक्रोसोमिया होगा। सो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर मैक्रोसोमिया होगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी ऐसे बच्चे की, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, तो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन होगी, एसिमेट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल हाइपरट्रोफी, मतलब ये कार्डियक कंडीशन, CVS डिफेक्ट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हाइपरट्रोफी, देन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इंसुलिन। तो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में शोल्डर डिस्टोकिया, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, देन एसिमेट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल हाइपरट्रोफी, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, तो RBC इंक्रीज होंगे, पॉलीसाइथीमिया होगा लीडिंग टू थ्रोम्बोएम्बोलिक मैनिफेस्टेशन, देन इंक्रीज इंसुलिन, उसकी वजह से सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन वो भी अफेक्ट होगा लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। इंक्रीज इंसुलिन तो लीडिंग टू इम्पेयर्ड गट मोटिलिटी, तो लेजी लेफ्ट कोलोन सिंड्रोम लीडिंग टू डिलेड पासेज ऑफ निकोनियम, एंड इंक्रीज शुगर इन द फीटस, इसकी वजह से कंजेनिटल एनोमलीज होंगी, तो ये सारी एनोमलीज है। मोस्ट कॉमन सिस्टम अफेक्टेड इज CVS, मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ एनोमलीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसमें एंड मोस्ट स्पेसिफिक हार्ट डिफेक्ट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ओवरऑल मोस्ट स्पेसिफिक एनोमलीज कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम, तो ये सारे वन लाइनर्स याद रखना। आफ्टर बर्थ क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, अब इंसुलिन ज़्यादा क्यों था बच्चे में, बिकॉज ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल जो मदर से आ रहा था, अब डिलीवरी हो गई तो हाई ग्लूकोज का सोर्स कम हो गया, लेकिन इंसुलिन अभी भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा आफ्टर डिलीवरी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, सब हाइपो हाइपो होगा। एंड मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद सीजर इन अ बेबी बॉर्न ड्यू टू एवरी मदर इज हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये था नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया।